गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की सुबह की शुरुआत हो रही जंस्कार वैली के पदुम सिटी से। तो सुबह की एक ब्रेकिंग न्यूज आपको अभी दिखाता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज क्या है टिगलू भाई? चल मैं ही बता देता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज से पहले आपको चारों तरफ का एक मौसम दिखा देता हूँ, कैसा माहौल बन रखा है सुबह सुबह का। तो भाई इधर ऐसा कुछ नज़ारा है। प्रदीप भाई गुड मॉर्निंग। प्रदीप भाई ने सारी पैकिंग शैकिंग कर ली, बड़ा फास्ट बंदा आपको पता ही है। और इधर पहाड़ ऐसे रूखे सूखे हो गए, तो थोड़ी बहुत ही बर्फ़ रह गई थी ना, वो भी पिघल चुके गर्मी की वजह से। और वहाँ पर देखो उस बादल की छाँव के कारण पहाड़ पर छाँव बनी हुई है, ऐसा कुछ नज़ारा इधर का भाई। और इधर बर्फबारी अभी है, इस पर सबसे ज़्यादा थी, मैंने आपको कल ही बताया था। तो इस पर अभी भी बर्फ़ है और इधर अपना कैंप लगा है। और जो आज की ब्रेकिंग न्यूज है ना, वो अभी बताता हूँ मैं क्या जी। तो आज की ब्रेकिंग न्यूज है कि टिगलू भाई का टेंट रात कुत्तों ने फाड़ दिया भाई। ये देखो यहाँ पंजा लगा और सारा फाड़ दिया भाई। ये देखो रात ना कुत्तों की आवाज़ आ भी रही थी, बट हमें पता नहीं लगा कब फाड़ के चले गए। साथ साथ कूदते फिरते रहे, बट ये नहीं पता था कि टेंट फाड़ देंगे। बाकी ठीक है, प्रदीप भाई के पास सुई और धागा है, उसके साथ सील देंगे भाई। और मेरे को लगता क्यों फाड़ा होगा, क्योंकि इधर भी ऐसी रस्सी बनना इधर भी बंधी हुई थी, उसके पाँव में फंस गई होगी, उसको गुस्सा चढ़ गया होगा, तो बोलता अगर मेरे साथ पंगे ले रहे हो तो उसने फाड़ दिया टिगलू भाई का टेंट। ओह ठीक है, ये थी ब्रेकिंग न्यूज। और आज का हमारा प्लान कुछ ऐसा है, अभी सबसे पहले ढाबे पर जाएंगे, वहाँ से पावर बैंक लेंगे और खाना खाएंगे, और उसके बाद अपना तांगले की ओर निकलेंगे। तांगले आज का लास्ट पॉइंट होगा, यहाँ से 30 किलोमीटर, वहाँ तक रास्ता अच्छा है, खाने पीने की व्यवस्था सब कुछ अच्छा है, तो वहाँ तक कोई टेंशन नहीं, आज तो कोई टेंशन नहीं है। कल वहाँ से सारी अच्छे तरीके से तैयारी करके निकलेंगे ना प्रदीप भाई। सिलेंडर सोच रहे हैं यहीं से भरवा लेंगे अगर कम हुआ गैस तो, बाकी जो खाने पीने की चीज़ें वो वहीं से ले लें, क्योंकि आज तो आज कोई दिक्कत है नहीं, रास्ता भी अच्छा है, सब कुछ ओके। और भाई ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है, बोलने में प्रॉब्लम होती है, सांस चढ़ती है एकदम से। और जब आगे जाके ना दो टॉप आने हैं बड़े बड़े पास, वो क्रॉस करने उन पर थोड़ी दिक्कत होगी, बाकी अपना सब ओके ठीक है। फिलहाल पैकिंग करके सारा कुछ सामान सके बांध के सीधा मिलते हैं अब उसी ढाबे पर। लो जी इधर रास्ता ब्लॉक कर रखा है। चल 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 चल, झूले 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 झूले। ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, तेरी समझ नहीं मेरे को। लो जी रेडी जी, सुबह का ब्रेकफास्ट पराठा, साथ में हमने चाय ऑर्डर कर दिया, वही पुदीने वाली भाई। और हमारे साथ एक समस्या भी छोटी सी, हम सुबह सुबह नहीं रात को 3 पावर बैंक चार्ज लगा के गए थे इस ढाबे पर, अब हम यहाँ के सिर्फ 2 ही मिले हैं, एक पावर बैंक खो चुका है भाई। ढूंढा काफी उधर बट नहीं मिला, तो ठीक है भाई। पावर बैंक किसका था? अर्श भाई का। अर्श भाई का पावर बैंक था, वो तो भाई बोलेगा पावर बैंक दो, बाकी चलो देखी जाएगी जो भी होगा। फिलहाल खाना खाते उसके बाद अपना आगे का सफर शुरू करते हैं। है ना भाई टिगलू भाई? टिगलू भाई मैं तो बोल दूंगा टिगलू भाई ने खो दिया। अब लगाया तो मैंने नाम तेरा ले दूंगा मैं, प्रदीप का ले देंगे, इस पे शक भी नहीं करेगा ना प्रदीप शरीफ सा। लगा दिया था हमें, बोल देंगे, लेकिन वीडियो देख के तो उसको पता चल जाएगा। लो जी सुबह सुबह खाना पीना खा के अच्छे तरीके से निकल चुके हैं अपने सफ़र की ओर भाई। और सुबह का कुछ ऐसा माहौल है जी पदुम का, राइडर इधर जा रहे हैं आगे, शायद इसी रास्ते आगे निकलते होंगे लेह की तरफ भी, बाइकें जा रही हैं, बोल रहे थे बाइकें निकलती नहीं है। नहीं ये तो शायद इधर इनका होम स्टे वगैरह होगा, कोई होटल वगैरह रुकने की व्यवस्था होगी, वहीं पर रुक रहे हैं। इस रास्ते कोई नहीं जाता, हम लोग ही जाएंगे, बाकी अगर कोई रास्ते में जाते दिखाई दिए तो आपको ज़रूर दिखाएंगे, फिलहाल ये तो इधर ही रुकेंगे भाई। ये जी पदुम की गैस एजेंसी भाई। टिगलू भाई इधर खड़े हैं प्रदीप भाई की वेट में थे, और मेरे को ना खड़े खड़े वॉशिंग वाला दिखाई दिया, तो मेरे को याद आ गया कि मैंने साइकिल के ना चेन वॉश करानी, इसमें मिट्टी लग लग के ना बुरे हालात हो चुके हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि भैया से थोड़ा वॉश ही करवा ले, बाकी देखते हैं करते हैं नहीं करते। लो जी भैया को बोला चेन पर पानी मार दो, भैया बोलते हैं कोई चक्कर नहीं है, सारे को वॉश कर देंगे, चेन क्या छोड़ो। ठीक है फिलहाल ऐसा कुछ वॉशिंग सेंटर इधर के भाई,
जनरेटर चल रहा है और गाड़ियां वॉश हो रही हैं। फिलहाल प्रदीप भाई खड़े हैं, टिगलू भाई आगे निकल गए हैं, वो नहीं दुलाएंगे। हाँ थोड़ा भाई नज़दीक से मार दो, मिट्टी निकल जाएगी। इस पे ना ऑयल लगा देंगे ना वो। थैंक यू भैया। लो जी वॉशिंग हो चुकी है, अभी निकलते हैं भाई। लो जी इधर ये मटर की खेती है और जौ की खेती है। ये मटर थोड़े बड़े लग रहे हैं, जो पीछे मटर थे ना जिस पीछे गांव में थे उनसे थोड़ा बड़ा साइज लग रहा है। छोटा नहीं, इतना बड़ा नहीं, छोटा था जो इससे छोटा। ये कितने का? ये है आपका 92 रुपीज़ का है। अच्छा इससे छोटा है? नहीं है ये, इससे छोटा। ये सेम है दोनों या इनमें डिफरेंस है? अच्छे वाला कौन सा है? दोनों अच्छा है, बस एक केवीएक्स से ये टोटल का है। मतलब कंपनी अच्छी कौन सी है? टोटल भी अच्छी है, टॉप नंबर की है केवीएक्स। तो नहीं, इन दोनों में कौन सी अच्छी है? दोनों ही अच्छे है। ओके अच्छा ही है, बस कंपनी का ही माल है, बाकी ओके ओके ठीक है भाई। दे दो यही दे दो। सिरिंज भी आपके पास छोटा मोटा सिरिंज पड़ा है? सिरिंज तो आपको वहाँ से लेना पड़ेगा। इधर जाना हमने आगे नींबू की तरफ, नहीं होगा ना? मिल जाए, नहीं मिलेगा? केमिस्ट ऊपर ही मिलेगा। चलो कोई नहीं, देखते हैं भाई। तो परसों हम सीधा निकल गए थे, अब हमें जाना राइट साइड। ये राइट साइड वाला रास्ता जाता है हाँ आगे छाया में। और भाई ऐसा कुछ नज़ारा, ये नीचे एक रिवर है, ये शायद जंस्कार रिवर है नीचे वाली। अगर जंस्कार शायद मेरे हिसाब से जंस्कार ही होगी, ये साथ साथ चलेगी हमारी। वो ब्रिज क्रॉस करना और रास्ता भी अच्छा ही आगे। और ये साथ में भाई इधर के धर्म से रिलेटेड कुछ बना हुआ भाई, और उसमें पत्थर रखे हुए जिसमें कुछ कुछ लिखा हुआ है इधर के मंत्र छंत्र वगैरह। और कितना लंबा है देखो भाई, जैसे ट्रेन का फुटपाथ होता ना ऐसे इतना लंबा है भाई, काफ़ी लंबा लंबा। तो अभी हम ना यहाँ पर छाँव मिल गया, यहाँ पर रुक रहे हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर नेटवर्क है, इसके बाद आगे काफ़ी दूर तक ना कोई नेटवर्क नहीं मिलेगा, फिर वीडियो अपलोड भी नहीं हो पाएगी। यहाँ से वीडियो अपलोड करके पब्लिक करके फिर ही निकलेंगे। सामने वो टावर है भाई, यहाँ नेटवर्क अच्छा आ रहा होगा, उसके बाद अपना रास्ता उधर से उस तरफ हो जाएगा, इन पहाड़ों के साथ साथ, ये गंजे गंजे पहाड़ों के साथ भाई। आ जा प्रदीप भाई, आगे जाकर नेटवर्क नहीं मिलेगा। कितनी होगी तेरी वाली? बड़ी अभी बहुत पर है। लो जी पहले वहाँ रुके हुए थे वीडियो अपलोड करने के लिए, आगे फिर वहाँ पर इतना नेट अच्छा नहीं था, उसके बाद पता कहाँ पर आकर रुके हैं दोबारा। टिगलू भाई सबसे पहले आकर ना यहाँ पर बैठ गया। सोलर प्लांट की ना सोलर प्लेटें लगी हुई हैं भाई इसके नीचे, यहाँ नेटवर्क भी अच्छा था और धूप से भी थोड़ी राहत मिल गई, तो यहाँ पर रुके हुए थे। और अभी हमारा रास्ता पता कौन सा होने वाला है? हम यहाँ से नीचे जाना है, हम इधर आ गए थे छाँव के चक्कर में, तो हमें ना इधर से नीचे जाना है, वो ब्रिज क्रॉस करना है। और ब्रिज क्रॉस करते ही फिर आगे फिर रास्ता अच्छा ही है। और ये सराप रिवर, टी सराप ऐसा रिवर कुछ नाम है। थोड़ी दूर आगे जाकर ना जब इसमें दूसरे वाली रिवर मिलेगी जो आगे थी, जो कल में हमने दिखाई थी जब उधर गोम्पा की तरफ जा रहे थे, वो रिवर जहाँ पर इसमें मिल जाएगी ना वहीं से ये जंस्कार रिवर हो जाएगी। रिवर के इस तरफ आते ना धूप कड़क और तीखी हो चुकी है पूरी तगड़ी वाली, क्योंकि इधर सारे रुखे सूखे पहाड़ है, हवा बिल्कुल भी नहीं आ रही। ये इधर के पहाड़ ऐसे हैं जैसे जिप्सम होती है ना, वाइट वाइट जिप्सम मिट्टी होती है, अगर आपने देखी है तो सेम वैसी हैं। स्टोंगडे एक जगह का नाम है जो यहाँ से 9 किलोमीटर आगे है। और ऊपर ऐसा कुछ नज़ारा है भाई, हल्की हल्की हरी हरी घास है और हल्का हल्का रूखापन भी है साथ में। आगे ना एक जगह आ चुके, काफ़ी स्कूल वगैरह हैं, घर वगैरह भी है। स्टोंगडे गोम्पा भी इतरी है, स्टोंगडे ऐसा कुछ है, वहाँ पास जाके आपको विस्तार से सारा कुछ बताता हूँ। अभी हम ना पदुम से 4-5 किलोमीटर इधर आ चुके हैं। और भाई ये जो एरिया ना, ये जितने भी घर दिखाई दे रहे हैं ये मैप पर बिल्कुल भी शो नहीं करता, और आगे एक पेट्रोल पंप भी शो कर रहा है। देखता हूँ अगर होगा तो बताऊँगा, अगर ना हुआ तो भी बताऊँगा, ताकि आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो।
इधर आज एक छोटा सा विलेज, वो काफ़ी आगे आपको हरा हरा दिखाई दे रहा होगा इस थंबे के साथ ही भाई, वो छोटा सा गांव जिसका नाम है जी कुमिक, वेलकम टू कुमिक। और ऐसा कुछ एंट्री गेट बना हुआ खूबसूरत सा। इधर इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, तो यहाँ पेट्रोल डीजल भरवा के आप आसानी से लेह वाले रास्ते की ओर जा सकते हो। इधर उन नदियों का संगम है, ती सर्प रिवर ऐसा कुछ रिवर है, और उधर से एक छोटी सी रिवर आती है जो कल दिखाई दी, उनका यहाँ पर आके संगम होता है। इसके बाद इस रिवर का नाम जंस्कार रिवर हो जाता है और आगे सारी रिवर जंस्कार ही बन के चलती है। फिलहाल अपने प्रदीप भैया भी आ चुके हैं और इधर का कुछ ऐसा नमस्कार जुले, क्या यहीं से हो आप? शिला आगे है, अच्छा इधर पीछे है पदुम की तरफ, अच्छा अच्छा पेट्रोल भरवाने यहाँ आए। उधर पेट्रोल पंप नहीं है कोई, पदुम में है एक है ना, हाँ वहाँ नहीं गए, वो दूर है। अच्छा जांगला तक रास्ता कैसा है? ऐसा ही है, उसके बाद वैसे गांव आएंगे रास्ते में। निम्मू की तरफ रास्ता जाता है या लामा यूरू की तरफ जाता है? ये निम्मू जाएगा। ओके निम्मू कितना होगा यहाँ से? पाँच छः घंटे लगेंगे। अच्छा ओके जी ठीक है, धन्यवाद। इधर के लोगों में ना मैंने शांति और सुकून देखा है, मैं जितनी बड़ी लद्दाख या कभी कोई झगड़ता हुआ देखा ही नहीं भाई, सच्ची कसम से लोग बहुत अच्छे हैं, पूरे हेल्प करते हैं और बस अच्छे हैं, इसमें सब कुछ आ गया भाई। वो सामने तोंगदे गांव है, ऊपर तोंगदे मनास्ट्री है, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ से अच्छे से दिखाई दे रहा है ना, इसलिए मैंने सोचा यहाँ से दिखा देता हूँ। इधर एक नया रास्ता बन रहा है, शायद तोंगदे मनास्ट्री के लिए बन रहा होगा ऐसे जिग जैग करके भाई। और एक चीज़ और दिखानी है, इधर पहाड़ों पर देखो हल्की हल्की हरियाली दिखाई दे रही होगी, बट जो आगे के पहाड़ है ना बिल्कुल गंजे है, बिल्कुल भी हरियाली दिखाई नहीं देगी, बिल्कुल पत्थर पत्थर है। और नीचे सारी जंस्कार रिवर निकली हुई, आगे सारी ढलान है। तगड़े वाली चाय पिएगा? क्यों पिया? अरे वो चाय नहीं दूध वाली पी लेते, एक एक आज पी नहीं है ना, देखते तोंगदे गांव में अगर दुकान मिल जाए तो पी लेते एक एक कप यार। ये जैसे बीच में छोटे छोटे टीले हैं ना, ऐसे टीले आपको राजस्थान में रेत के दिखाई देंगे भाई जब उधर कभी जाओगे। इधर भाई थोड़ी सी शहर वाली फीलिंग आ गई है, जैसे मेन हाईवे होते हैं बीच में ना, इधर छोटा सा गोम्पा है और दोनों तरफ से सड़क निकाल रखी है आने की और जाने की। और ये तोंगदे गांव है, और भाई साथ साथ में कितने सोने फूल खिले हैं भाई, इनकी बीनी बीनी खुशबू आ रही है। मोनास्ट्री पूरे टॉप पर बना रखी है भाई, बिल्कुल सिरे पर पहाड़ के, मेरे को एक समझ नहीं आ रही रास्ते तो अभी भी कच्चे ऊपर जाने के, ये सदियों पहले कैसे बनाए होंगे, इतनी ऊपर कैसे ईंट पत्थर लेके गए होंगे, क्या जुगाड़ किया होगा, और उस टाइम तो लोग भी बहुत कम होते होंगे, तो कितने टाइम में बना होगा, कैसे क्या जुगाड़ लगाया होगा। ऊपर बर्फ़ भी है नहीं कहीं, फिर भी पानी आ रहा है, शायद ना इसके दूसरी साइड ग्लेशियर होगा कोई तकड़ा जो वहाँ से दिखाई देता होगा मोनास्ट्री से, तो तभी तो पानी आ रहा है भाई। ये है जी इधर के पुराने पुराने घर, और वो सामने जहाँ गाड़ी खड़ी ना वाइट सी गाड़ी, वो इधर का हेल्थ सेंटर है, मतलब हर फैसिलिटी है मेरे हिसाब से तो, जितना बड़ा गाँव है ये। इधर के गाँव ना बिल्कुल सुनसान मिलते हैं, कोई भी दिखाई नहीं देगा, हॉस्पिटल होंगे वो भी खाली, और दुकानें तो कोई, क्या देख लो भाई क्या बोल रहा है? अरे वैसे भी गर्मी कहाँ, इन लोगों के लिए गर्मी कहाँ, और भाई कोई दुकान भी नहीं है जहाँ बैठ के चाय चाय पी लें। लो जी छोटा सा स्टेडियम भी है भाई इधर, प्रदीप भाई स्टेडियम है, हम बोल नहीं सकते कुछ नहीं है, सब कुछ है भाई। और आगे कोई गांव है चक्कर चक्कर ऐसा कुछ नाम है, चजर चुजर ऐसा कुछ नाम है, पता नहीं कितने किलोमीटर है, बट अब सारी ढलान है, अब उठते जाएंगे जहाज की तरह भाई। जो गोनपा का मेन रास्ता है ना वो ये वाला लिखा, टोंगदे गोनपा, ये वाला रास्ता जाता है भाई पक्के वाला, मैं सोच रहा रास्ता ही नहीं है ऊपर, तो इधर गाड़ी प्रॉपर ऊपर तक जाएगी अगर किसी ने जाना ये वाला गोनपा ऊपर।
पहाड़ बिल्कुल गंजे आ चुके हैं, रूखे सूखे। आगे भी पहाड़ के बीच में एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, बट सामने एक ग्रीफ का सेंटर आ चुका है जो रोड बनाते हैं भाई। इधर एक छोटी सी वाटर क्रॉसिंग है, बट इसमें वाटर नहीं है भाई, क्योंकि बर्फ़ पिघल चुकी है, बस ब्रिज रह गया। और ये ग्रीफ का सेंटर इधर रोड बनाने वालों का सिस्टम पड़ा सारा कुछ इधर भाई। वेट में रुका हूँ, और यहाँ से ना चजर रह गया 6 किलोमीटर, जांगला रह गया 17 किलोमीटर, जहाँ पर आज का स्टे करना। जांगला के बाद ये मेन वाला रास्ता ख़त्म हो जाएगा, उससे आगे टूटा फूटा रास्ता आ जाएगा, जैसे पीछे ऑफ रोडिंग करते आए हुए हैं। तो फिलहाल अभी नज़ारे लेते हैं जांगला तक इस रास्ते के, और आगे तक ज़्यादा ढलान है भाई। प्रदीप भाई तो काफ़ी पीछे रह चुके हैं, टिकलू भाई वो सामने आ रहे हैं भाई। और इधर ये देखो भाई पशु क्या चल रहे, समझ ही नहीं आ रही। और कुछ ऐसा लैंडस्केप है पहाड़ों का भाई। भाई पीछे से देखने से लग ही नहीं रहा था कि राइट साइड में कोई गांव होगा, बट यहाँ टावर भी है, सारा कुछ है। शिलिंग स्किट गांव का नाम है भाई। ये देखो भाई कितना बड़ा गांव है, एकदम से आया है। आज ना साइकिल चलाने का पूरा मज़ा आ रहा है, एक तो ढलान है और दूसरे रास्ते बिल्कुल स्ट्रेट हैं, बिल्कुल सीधे रास्ते हैं भाई, नहीं तो जिग जैग चलते रहते थे भाई। और ऐसा कुछ इस गाँव का व्यू है भाई। इधर पहाड़ों का लैंडस्केप देखो भाई, क्या जबरदस्त है भाई। और इधर साथ में कच्चा पहाड़ है, बजरी टाइप गिरती रहती है। और आगे एक छोटी सी रिवर, छोटी नहीं काफ़ी बड़ी रिवर है, बट सूखी हुई है। ऊपर कितना बड़ा ब्रिज आपको दिखाते हैं नज़दीक जाकर भाई। नदियां सूखने लग गई हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो एनवायरमेंट कितना चेंज होने लग गया है भाई। इतनी बड़ी नदी भी सूख सकती है, सोचा नहीं था। चजर 1 किलोमीटर, जांगला 12 किलोमीटर रह गया भाई। बाकी यार इधर का दृश्य लाजवाब है यार, ज़रूर आए एरिया ज़रूर देखें यार, कितना खूबसूरत एरिया है भाई। रूखा सूखा जरूर है, बट जो इसकी अपनी की सुंदरता ना वो अलग ही है भाई। वो प्रदीप भाई भी आ गए हैं। क्या खूबसूरत व्यू आया नीचे जंस्कार रिवर का, देखो उसके साथ हरियाली। और भाई चचर 0 किलोमीटर, इस गांव में ना कुछ चाय की दुकान मिल जाए ना सच्ची मज़ा आ जाए। बाकी लग नहीं रहा कोई दुकान होगी, क्योंकि इधर पॉपुलेशन ही बहुत कम है, टूरिस्ट बहुत कम आते हैं, तो दुकान खोलकर कब तक वेट करेगा किसी ग्राहक की भाई। छोटे छोटे हॉस्पिटल हर गांव में मिलेंगे, हेल्थ सेंटर भाई, जैसे ये है भाई, ये हर गांव में मैंने देखा, हर गांव में। और पक्की नालियां बना रखी हैं पानी की व्यवस्था के लिए, पाइप भी दबा रखे हैं घर घर को पानी देने के लिए। बाकी एक बात है, इस गांव में पूरी तगड़ी हरियाली है, जंगल टाइप बना हुआ छोटा सा, ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं। इधर इस गांव का ना गवर्नमेंट मिडिल स्कूल है, काफ़ी बच्चे, काफ़ी दिन बोल सकते 10-15 बच्चे होंगे, इधर के टीचर हैं बच्चे हैं। और इधर खेलने के लिए ना झूले वो सामने लगा रखे हैं, येलो येलो कलर के हैं भाई झूले। कहाँ से आए? मैं हरियाणा से ये स्कूल है सारा छोटा सा इधर का। वो आपके टीचर हैं? वो आपके टीचर थे वो जो गए? टीचर है आपके? वो टीचर हैं वो जिनके साथ आए हो? गाड़ी में कौन आया? मम्मी? अच्छा आपकी टीचर किधर? टीचर अंदर है? ओके। ये टीचर की गाड़ी है, और ये HR 60 हरियाणा की गाड़ी है ये तो,
हरियाणा की गाड़ी, हरियाणा से लाए हैं और क्या। तो बच्चे हैं भाई इधर, पता नहीं स्कूल में पढ़ रहे हैं, पता नहीं इनके घर वालों के साथ आए, समझ नहीं आई कुछ ना इन बच्चों को। पता है कहाँ से आए हो, है चोट किधर से आए, घर किधर है आपका? अच्छा ओके ओके, पिकनिक जाओगे कहाँ पर? पदुम में। ओके पिकनिक जा रहे हो, जा रहे हो अभी? ओके ठीक है भाई, ओके जुले बाय बाय, चलते हैं, चले आगे। गांव का नाम क्या है इसका, गांव का नाम सजर। ओके यहाँ सामने से संस्कार रिवर ने ना पूरा राउंड ले लिया है, जांगला 9 किलोमीटर, मतलब अगर तगड़ी सी ढलान आ गई ना तो एक बार में पहुंच जाएंगे भाई। टिकलू भाई भूख लगी है, कुछ है? नहीं है, रात का दो बिस्कुट वगैरह कुछ नहीं है, बिस्कुट नहीं है, रात का खत्म हो गया, सुबह खा गया, कुछ भी नहीं है खाने को, कुछ भी नहीं है, कोई दुकान भी नहीं आ रही सच्ची यार, काफ़ी देर से देख रही दुकान आ जाए कुछ खा पी ले, भूख लगी। अरे गाँव तो बहुत आ गए पर दुकान तो नहीं ना आती, चक्कर यही नहीं समझा, टांगले में पता नहीं कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा जहाँ आज स्टे करना है। हाँ। अगर ना मिला जांगला है भाई, अगर ना कुछ मिला ना तो वही आज तगड़े वाली बाट लग जानी है, और मैगी शैगी मिल जाए फिर भी चल जाएगा, उसके पास गैस है ना प्रदीप के पास तो काम चल जाएगा। फिर कुछ तो खिला दे यार, बिस्कुट पड़े होंगे यार, कुरकुरे शुरकरे बस ठीक है वही निकाल ले यार, अब नहीं जरा जाएगा, भूख लगी है बहुत ज़्यादा। ये वाले जितने भी पहाड़ है ना ये बर्फ़ से लदे रहते हैं, सर्दियों में तो यहाँ तक भी स्नोफॉल होती है रस्तों तक भी भाई, और अब बिल्कुल भी नहीं है, हल्की हल्की दिखाई दे रही है भाई, और नीचे पूरी तगड़े वाली गर्मी, सूर्य देवता पूरा अपना कहर बरपा रहे हैं भाई हमारे पर। आगे सारी ढलान आ चुकी है, अब ये देखते जांगला तक ही ढलान होती है या अप डाउन ही चलता रहेगा, बट इस ढलान से हम जांगला के ना बिल्कुल पास पहुंच जाएंगे और कुछ खाने की व्यवस्था हो जाएगी यार। आगे एक पुराना सा ब्रिज है इस जंस्कार रिवर को क्रॉस करने के लिए, और लेफ्ट साइड में ना कुछ झुग्गियाँ बनी हुई हैं, शायद ये जो रोड बना रहे हैं ना पीछे इन्हीं की झुग्गियाँ होंगी भाई, यहाँ जनरेटर पड़ा इनका, इधर काम चल रहा है कुछ, मेरे को लग रहा ब्रिज नया नया नहीं यार, ब्रिज नया नहीं है क्या, अब तक क्या सिस्टम है समझ नहीं आ रही। टिकलो भाई इसकी समझ ही नहीं आ रही, ब्रिज नया बना है मेरे को लग रहा है पर देखने में पुराना लगता है, चलते हैं ऊपर यार क्योंकि वायर गई हुई ना आगे तक, शायद इनके पास लाइट जाती होगी, फिलहाल अच्छे तरीके से बंधा हुआ है, सही है यार नहीं गिरेगा, हमारे वजन से क्या करेगा जब अपने वजन से नहीं गिर रहा ये। और भाई क्या खूबसूरत नज़ारा इधर जंस्कार रिवर, और उधर कोई गांव भी नहीं दिख रहा भी, जिसके लिए इतना बड़ा ब्रिज और इतना महंगा ब्रिज बनाया भाई, क्या नज़ारे हैं, मोटी मोटी तारे लगा रखी हैं, पूरे मजबूती वाला काम होता है भाई। आगे जाकर चलो क्या करेंगे, उधर कुछ है ही नहीं है फिलहाल, ये है जी खूबसूरत सा ब्रिज, बिल्कुल सेंटर में है, हिल रहा है भाई, हिल रहा है भाई टिगरू, हिल रहा है, हिलता है, और पानी का बहाव बहुत तेज है भाई, इधर की सबसे बड़ी रिवर यही है ये देखो, और प्रदीप भाई वो सामने आ रहे हैं साइकिल को पूरा दबल्ले पूरी तेज़ी से लाके, और हमारा सफ़र अभी रह गया 5-6 किलोमीटर सारा जांगले का, कोशिश करेंगे अगर उससे आगे कुछ जगह हुई ना तो वहाँ भी चलेंगे। और भाई एक बात और बतानी है, ये गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ, अगर कोई रहता नहीं तो गाड़ियाँ किसकी हैं भाई, इधर कुछ ना कुछ गाँव होगा मेरे हिसाब से, बाकी अगर आगे दिखाई दिया तो बताएँगे, इधर मोटर वगैरह लगी ऊपर पानी लेके जाने के लिए।
लो जी वहाँ से निकल चुके जांगला के लिए। पीछे एक भैया मिले थे, मैंने पूछा भैया ब्रिज क्यों बना रखा है, बोल रहा है उस पर गांव है। तो उधर दिखाई दे रहा है छोटे छोटे घर एक दो दिखाई दे रहे हैं, उससे दूसरी साइड भी कोई गांव है छोटा मोटा। तो वो बोल रहे थे जांगला से ना 3-4 किलोमीटर आगे जाके ना एक रुकने की व्यवस्था है, मतलब होटल वगैरह कैंप भी लगा हुआ है, वहाँ रुक जाना आराम रहेगा और लाइट वगैरह फैसिलिटी है, खाने की फैसिलिटी भी हो जाएगी। और ऊपर इधर पहाड़ों की शेप देखो भाई क्या खूबसूरत लग रही है, ब्राउन ब्राउन पहाड़ है, ऊपर नीला नीला आकाश है और छोटे छोटे बादल है वाइट वाइट। ये ऐसे स्तंभ से आपको हर जगह दिखेंगे, कपड़े वगैरह वाइट लगा रखे हैं ऊपर, ये पेड़ पौधे की टहनियाँ लगा रखी हैं। इधर ना धूप बिल्कुल तीखी हो चुकी है, हवा लग नहीं रही, पहाड़ के बिल्कुल साथ है ना, तो पूरी तीखे वाली धूप चुभ रही है भाई। और अगर ऐसी धूप में चेहरा खुला रह जाए, जैसे अभी फिलहाल मेरा खुला, थोड़ी देर में ढकूंगा तो खुला रह जाए तो वाट लग जाएगी, बुरे हालात हो जाएंगे। कुछ लिखा है नहीं, नया नया बना है अभी, शायद लिखेंगे तब पता लगेगा क्या बना हुआ है। फिलहाल छोटी सी एक बीच में बिल्डिंग बनी हुई है भाई, बट बड़ी खूबसूरत है। जांगला 4 किलोमीटर दिखा रहा है, इधर काफ़ी पेड़ पौधे हैं भाई, कारगिल फॉरेस्ट डिवीज़न, कारगिल के एरिया सारा, जांगला 3 किलोमीटर, कारगिल डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ी है, लद्दाख में 2 ही डिस्ट्रिक्ट है, कारगिल और लेह शायद। आगे ब्रिज क्रॉस करना है छोटा सा, ये छोटी सी रिवर आ रही है कोई, ये भी आगे जाके जंस्कार रिवर मिल जाती है। और आगे रोड बनाने वालों के कैंप लगे हुए हैं, और आगे जांगला विलेज भी है, और इधर का जो व्यू है ना बहुत ही तगड़ा है भाई। इस ब्रिज का नाम है जांगला ब्रिज, और ऊपर ना पहाड़ी की चोटी पर दिखाता हूँ आगे जाके, शायद गोम्पा है ये भी मोनेस्ट्री, वो पहाड़ी की चोटी के ऊपर वाइट वाइट दिख रही होगी, गोम्पा ही है। और इधर वो पुराना ब्रिज है, वो नीचे ही रखा हुआ बिल्कुल। ये जो इधर से छोटी सी रिवर आ रही है ना, जिसमें थोड़ा थोड़ा पानी है, जो मैं जांगला ब्रिज बोल रहा हूँ, इसका नाम है जांगला नाला। उधर दो पहाड़ों के बीच में से आ रहा है, और ऊपर वो छोटी सी मोनेस्ट्री बनी हुई है, वो देखो पहाड़ की चोटी के ऊपर भाई। लो जी टिगलू भाई भी आ गए हैं, प्रदीप भाई उधर वीडियो बना रहे हैं ब्रिज के ऊपर, चले ओके। ये जो गेट बना हो ना, ये वाला रास्ता जाता जांगला विलेज की तरफ, और ये वाला रास्ता सीधा हाईवे ये आगे जाता भाई, जिधर हमने जाना है। भैया आगे कोई दुकान है, दुकान मिलेगी आगे कोई होटल या दुकान मिलेगा कोई दुकान? हाँ ये चार के पास था, मैं भी दुकान में गया था, नहीं है कोई नहीं। दुकान बंद है? हाँ बंद बंद है। अच्छा आप कहाँ से हो? तो अच्छा चोर आगे मिलेगा कोई होटल वगैरह? आगे होगा कितने, 3-4 किलोमीटर आगे है ना होटल कोई? ये था 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का होटल है। मैं उधर नहीं गया, ये टावर के पास दुकान था, मैं हम भी नहीं आए। टावर कौन से, इसके या इस टावर के पास? यही है ये, मैं इसी रास्ते के ऊपर दुकान है बंद है अभी। ओके ओके। जांगला 2 किलोमीटर, किलीमा 30। जांगला सर राइट वाला ही तो जांगला ये? अच्छा आगे से भी है। ओके भाई, पीछे से देखने में लग रहा था भी रास्ते के साथ साथ कुछ नहीं होगा, बट उधर गांव है, इधर भी गांव के कुछ घर हैं मेन हाईवे के साथ साथ। इधर के क्या चीज़ है समझे, दूरदर्शन जिले केंद्र, दूरदर्शन केंद्र है भाई इधर का। लो जी कुछ लग तो नहीं रहा, यहाँ कोई दिख भी नहीं रहा, एक भी आदमी नहीं दिख रहा इतने बड़े गाँव में भाई। एक समस्या इधर की और भी है, इधर ना लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं होती भी आगे क्या मिलेगा, कहाँ पर क्या होगा, लोग ज़्यादा शायद घूमते नहीं हैं, तो ये समस्या सबसे बड़ी आती है भाई। चलो आगे किसी को पूछ लेते हैं, वो ट्रैक्टर वाला उसको पूछ लेते हैं भाई, किधर दिखे? अच्छा गाड़ी के पास। इधर ना भैया जी मिले थे, उनसे कंफर्म किया कि आगे कोई दुकान हो यहाँ पर हो, वो बोले यहाँ पीछे दुकान है बट उस पर ज़्यादा सामान नहीं मिलेगा, 3-4 किलोमीटर आगे जाके ना कोई रेस्टोरेंट टाइप है, वहाँ खाने का सब कुछ मिल जाएगा, रोटी पानी दाल सब्जी। तो ठीक है फिर आज का सफ़र 3-4 किलोमीटर और आगे हो जाएगा, और उतना ही हमारा रास्ता कम हो जाएगा आगे जाने का, चलते हैं आगे भाई। इधर ना जांगला चेक पोस्ट के नाम से जगह है, पुलिस चेक पोस्ट जांगला, शायद इधर का पुलिस स्टेशन है ये, है ना। कॉपी पढ़ी है, पेन पढ़ी है,
बट जो ये एंट्री करेगा वो पीछे चला गया, शायद होती नहीं है। साइकिलों की क्या होगी, वो तो गाड़ियों की होती है ना, मारतों को नंबर प्लेट भी नहीं जिसकी एंट्री हो जाएगी। फिलहाल ऐसा कोई चेक पोस्ट है जांगला चेक पोस्ट, चलते हैं आगे पीछे। भैया बता रहे थे 3-4 किलोमीटर जाके ना खाने की दुकानें हैं, रेस्टोरेंट है। भैया बोल रहे थे 18 किलोमीटर, पता नहीं ये बोल रहे दुग्गर वाले, पीछे दुकान है कुछ ले लें अगर ना मिला तो। ओके, जब हम पदुम से चले थे ना तो लोग बोल रहे जांगला में सब कुछ मिलता है जो मर्जी ले लेना, इसलिए हम पदुम से कुछ लेके नहीं आए। अब यहाँ की दुकान मिली, पूछने गए तो पता लगा वो पदुम जा रखा, तो वो भी दुकान बंद है। हमने पूछा आगे दुकान कितनी दूर है, पदुम में बता रहे थे जांगला से 3-4 किलोमीटर आगे ना एक जगह है, वहाँ पर खाना मिल जाएगा। अब यहाँ पूछा बोल रहे हैं 15 किलोमीटर से पहले कुछ नहीं है, तो इधर लोगों के भरोसे नहीं रहना चाहिए, किसी को कुछ नहीं पता, सच्चाई तो ये है। बाकी हम चल दिए, देखा जाएगा जो होगा। लो जी रोड बनाने वाले हैं, बट ये भी वापस चले जाते हैं। ओ, कैसे हो? वाह, हेलो। ये इधर एक ब्रिज बन रहा है भाई, इधर से कोई नाला टाइप आता है ना उसके ऊपर बन रहा है, तो आज 15 किलोमीटर का सफ़र और करना पड़ेगा, मतलब पूरी हिम्मत लगानी पड़ेगी। बाकी लग रहा है ढलान से पहुंच जाएंगे यार। ठीक लो भाई, आज तो भूखे सोना पड़ेगा लग रहा है। कोई ना कोई जुगाड़ अपना कर रखा आगे हमारे से पहले हैं। चलो देखते हैं भगवान क्या देता है भाई। फिलहाल एक झुग्गी टाइप लग रहा है, जैसे कुछ बोल रहे थे खाने को मिल जाएगा, शायद आर्मी का ना हो, बाकी देखते हैं क्या बनता भाई। मैं इसी सोच रहा था खाने की, मतलब दुकान वगैरह कुछ रेस्टोरेंट टाइप झुग्गी टाइप बनी थी ना, बट ये तो डेट है, मतलब रोड बनाने वालों का सिस्टम है भाई। लो जी कहाँ से आए हैं वो देखो, देखने में ऐसे नीचे लग रहा है बट वो ऊपर है, क्योंकि हम इधर क्यों आए ना, नीचे ढलान थे, थोड़ी सी हाइट आई है। टिकलू भाई आगे निकल चुके, प्रदीप भाई आ रहे हैं, मैं वेट कर रहा हूँ। हमने सोचा कि छोटा मोटा ढाबा आ गया, ऐसे ही होता है, बट ये टैक्सी यूनियन है, स्लिप चेकिंग प्लीज, टैक्सी की चेकिंग के लिए है भाई। भैया होटल कितनी दूर है, कितनी दूर है? 1 घंटा, तो फिर वही 14-15 किलोमीटर ही है। लो जी इधर वही मिल चुके हैं रोड बनाने वाले, वेलकम टू जांगला CPL कैंप। तो इनके पास खाने पीने की उम्मीद है कुछ ना कुछ मिल जाएगा पूछने पर, नहीं तो 13-14 किलोमीटर या 1 घंटा और लगाना पड़ेगा। अगर पूछ लेते हैं कुछ मिल जाए तो ठीक है, कुछ तो फिर यहीं पर कैंपिंग कर लेंगे, नहीं तो भाई फिर आगे चलेंगे भाई। लो जी अभी ये भाई लोग बता रहे थे 3-4 किलोमीटर आगे ना दुकान है, भी वहाँ सब कुछ मिल जाएगा, तो फिर हमने सोचा आराम से आगे चलते हैं, वहीं जाकर खा पी लेंगे, वहीं पर चार्जिंग लगा लेंगे। एक छोटा सा गांव आया सामने होनिया, बट ये ना मेन रास्ते से काफ़ी दूर है, इसमें दुकान तो है बट वहाँ भी खाने को कुछ नहीं मिलता, बस नमकीन बिस्कुट ऐसा सूखा सूखा सामान मिलता है। तो अभी फ़िलहाल हमारा सफ़र रह गया 5-6 किलोमीटर, बाकी ज़्यादा भी हो सकता है, देखते हैं कितना रह गया। और इधर कुछ अपने झारखंड वाले भैया लोग उन्हीं कैंपों पर जा रहे हैं वापस काम करके। सर ये मेरी सेना, हाँ हाँ क्या हाँ, किसी के घर पे जाके मैं बात करके चावल वाल ले लूँगा। अरे नहीं आगे सारी ढलान है देख, सारी ढलान है, और तीन वो 7 किलोमीटर बोल रहे हैं कि 2-3 किलोमीटर आगे हैं, 3-4 ढलान निकल जाएगी, 1-2 किलोमीटर फिर थोड़ी सी अप डाउन है, वो वाली हाइट नहीं आएगी इधर, थोड़ा सा हौसला और करके देख लेते हैं, अगर कुछ मिल गया तो मिल जाएगा, वहाँ आराम से रुक जाएंगे, फिर अपना आगे का सफ़र कम रह जाएगा, इस एरिया को जल्दी कवर कर देंगे। कुछ मिलता नहीं है ना, कोई पंगा तो नहीं है ना, कैसा इसीलिए पूछ रहा हूँ। ना ना कोई चक्कर नहीं है, मैं तो कर सकता हूँ, मैं तो हाँ मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। चलो चले भाई आगे चलते हैं यार। ये सामने होनिया विलेज है, सारा हरा हरा दिखाई दे रहा है और कुछ घर दिखाई दे रहे हैं, और ये इसकी कनेक्टिविटी का ब्रिज है भाई, ये नीचे जंस्कार रिवर के ऊपर बना। इसका रास्ता ना पीछे से जाता है उधर से, ये वाला सासत कच्चा रास्ता है, फिलहाल अपना रास्ता भी पक्का ही चल रहा है, नहीं तो बोल रहे थे रास्ता आगे कच्चा आ जाएगा, फिलहाल अभी पक्का है, देखते कहां पर जाकर कच्चा आता है। और टिकलू भाई ठीक है? हाँ थक गया बेचारा आज, कभी से चले जा रहे हैं 5-7 किलोमीटर नहीं हो रहा, मतलब ढाबा ही नहीं आ रहा यार। अभी ने एक रेस्ट लिया है क्योंकि आगे फिर थोड़ी हाइट है, देखने में कुछ और लगता है, होता कुछ और है।
रनिंग में पता नहीं चलता हाइट होगा या वो होगा। अरे नदी नीचे की तरफ जा रही है तो ढलान होनी चाहिए, इधर हाइट आ जा रही, समझ ही नहीं कुछ लग रहा क्या हो रहा भाई। नहीं नीचे जो गांव होगा ना वो थोड़ा डाउन में होगा, लेकिन रास्ता अभी एक दो रनिंग तो थोड़ा हाइट जैसा ही होगा, उसके बाद डाउन आएगा। थोड़ा डाउन आएगा ना, उसके बाद अपना डेस्टिनेशन भी आ जाएगी जहाँ खाना खाना ना। हाँ वही डाउन में ही होगा उम्मीद है। वो देखना जांगला कितना डाउन में लग रहा है जबकि नदी इधर आ रही है, समझ नहीं लग रहा पहाड़ों में कुछ, समझ नहीं लगती भाई कुछ नहीं पता लग सकता। और अपने वो टिगलू भाई वो पीछे आ रहे, टिगलू भाई थक गया आज, थक गया है ना, बहुत थक गया। चलो भाई सामने कुछ ऐसा नज़ारा है, वो वाली थोड़ी सी हाइट हो रहा है, उसके बाद देखते हैं हाइट मिलती है ढलान मिलती है जैसा भी होगा आपको आगे जाकर बताएंगे। सोचा था स्टैंड के बाद ना फिर डाउन आ जाएगा, बट डाउन नहीं आया, हाइट ही आई जा रही है, समझ नहीं लग रहा क्या हो रहा भाई। देखना कितनी हाइट चढ़ के आए पीछे से, आगे फिर एक टर्न है, उम्मीद है उसके बाद ढलान मिल जाए। और धीरे धीरे सूर्य देवता भी डाउन होते जा रहे हैं, 6 के करीब का टाइम हो चुका है, अभी तक रुकने की कोई जगह नहीं मिली, ऐसे एरिया में से गुजरते हुए जा रहे हैं। अभी मैंने मैप पर देखा है यहाँ, ये बात अच्छी है, हर जगह नेटवर्क आ रहा है जियो का। मैप पर चेक किया अभी 4 किलोमीटर रह गया जहाँ पर आज की स्टे होगी और जहाँ पर खाना मिलेगा, 4 किलोमीटर निकाल ही जाएंगे ओखे सोखे होके यार। बाकी प्यास लग रही है, पानी पीछे अच्छा मिला नहीं था, फिर मैंने वो जो पानी भरा था ना वो नीचे खिंडा दिया, मतलब फेंक दिया, अच्छा नहीं लग रहा था देखने में, आगे पानी कहीं मिला नहीं, प्यास भी लगी है और खाने की भूख भी लगी है। बाकी कोई ना, प्रदीप भाई 4 किलोमीटर रह गया, हाँ और आगे उसके बाद थोड़ा डाउन लग रहा है देखने में, उसके बाद डाउन है। ओके लो जी, बहुत ज़्यादा हाइक चढ़े हैं, नदी से कितना ऊपर आ चुके हैं भाई, पर अब भी ढलान आई नहीं है, बाकी आगे उम्मीद है भाई क्योंकि इसके बाद तो फिर पहाड़ पे ही चढ़ जाएंगे, पहाड़ ही ख़त्म हो गया तो इससे ज़्यादा हाइट क्या नहीं है फिलहाल। मैं तो फिर भी चला के लेके जा रहा हूँ, बट प्रदीप भाई आपके पास वेट ज़्यादा ना, ये दोनों पैदल जा रहे। एक चीज़ दिखाता हूँ, पहले तो ये पहाड़ देखो कैसे खड़े हैं भाई, और ना उधर देखो भाई बकरवाल ने यहाँ भी घर बना रखे, वो ये रहा उधर, कहाँ पर आके यार कैसे रहते होंगे, कुछ खाने को नहीं है कुछ पीने को नहीं, कैसे रहते होंगे इधर भाई, बहुत टफ लाइफ है। लो जी इधर का याक है, भूख से मरा हुआ है बेचारा, क्योंकि इधर खाने को इतना अच्छा है तो है नहीं, वो भाई सारी हाइट ही हाइट है, हमने सोचा कि ढलान आ जाएगी बट सारी हाइट है और ये बेचारा हमसे डर रहा है। और भाई कुछ नहीं कहेंगे, क्यों सांस चढ़ा रहा है, पहले शरीर में आसरा कम है तेरे। लो भाई ढलान तो आई नहीं है बट रास्ता कच्चा आ गया, यहीं तक पक्का रास्ता था, आगे सारा टूटा फूटा बजरी वाला रास्ता आ चुका भाई। जो सामने गांव दिखाई दे रहा ना वो वाला, उसका नाम है जी रूला गुंग, और जो हमारा जहां पर रुकना स्टे है टी स्टॉल वगैरह होम स्टे वगैरह है वो है यहाँ से 2.5 किलोमीटर, अभी भी 2.6 किलोमीटर दिखा रहा है भाई। रास्ता बहुत ही ज़्यादा गंदा है, बिल्कुल कच्चा, और आगे भी हाइट ही हाइट है, समझ नहीं लग रहा आज क्या होगा। शुक्र है भाई आगे दुकान दिखने लग गया बिल्कुल सामने, और ढलान भी आ चुकी है, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया भाई, नहीं तो हालात बुरे हो चुके थे। और एक बात और अच्छी है, इसके बाद आगे ढलान ही ढलान है भाई, ये एक हिसाब से ना हम टॉप ही चढ़ के आए हैं भाई, कोई पास ही पास किया है ऐसा कुछ है। और यहाँ से गांव अच्छे क्लियर तरीके से दिखाई दे रहा वो वाला, उसके पास एक झरना भी चल रहा है, पानी की व्यवस्था तगड़ी है इनके पास। प्रदीप टिकलो, और लास्ट पॉइंट यही है, जल्दी आ जाओ, लास्ट सब कुछ डन है, उसके बाद लाना सारी। आ गए भाई अपने भाई भी, बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है और बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी है सच्ची यार, बुरे हालात हो गए यार, बहुत टफ है जंस्कार, बट फिर भी हम कर रहे हैं यार, हौसला रख के कर रहे हैं जैसे तैसे करके, और कर जाएंगे भाई। आगे का सफ़र कितना रह गया, 150 किलोमीटर और रह जाएगा, 2 या 3 दिन में क्रॉस कर जाएंगे। लो जी यहाँ से सूर्य देवता दिखना बंद हो गया, मतलब सनसेट नहीं हुआ, इधर अभी रोशनी है और हमारे लिए सनसेट हो चुका है, क्योंकि वहाँ पर भी
रोशनी नहीं है जहाँ पर आज रुकना था, सनसेट हमारा तो हो गया। इधर अपने दोनों भाई आ चुके, आ जाओ ए, भूख लगी है चलते हैं। अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो ढलान आ गई। अब आगे सारा रास्ता ऐसे ही रहेगा, टूटा फूटा बजरी वाला। ज़्यादा प्रॉब्लम प्रदीप भाई के साइकिल की रहेगी, क्योंकि पंचर जल्दी हो जाता ना तो समस्या हो सकती है। बाकी चलो देखा जाएगा जो भी होगा। कैंप तक पहुँचते पहुँचते 7 बज चुके हैं। फाइनली कैंप अपना आ चुका, जहाँ पर स्टे करनी है, जहाँ कुछ खाने को मिलेगा। लो जी, रास्ते बनाने वालों को भी कैंप लगे हैं और इधर एक टी स्टॉल भी है। अभी यहाँ रुकते हैं भाई सबसे पहले, और जगह देखते हैं कैंपिंग कहाँ कैसे की जा सकती है। आ जाओ मेरे शेरो, आ जाओ जल्दी, आ जाओ, आपका स्वागत करे गर्मा गर्म चाय। लो जी, ऐसा कुछ कैफे है, यहाँ बैठते हैं। और भाई पीछे नेटवर्क बिल्कुल चला गया था, बट यहाँ थोड़ा सा है, इधर उधर जाके ना बात हो जाएगी घर वालों से, शायद वीडियो भी अपलोड हो जाए। पहले इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कुछ खाने पीने का मिल जाए। बाकी उम्मीद लग नहीं रही यहाँ कुछ खाने पीने का होगा, दरवाजे बंद है, यहाँ कुछ है नहीं है और इधर भी कुछ है नहीं है। भैया खाने पीने का हो जाएगा कुछ, खाने पीने का मिलेगा है? किधर गया वो, कब आएंगे? कल इस टाइम चले जाते हैं। 35 किलोमीटर, और यहाँ कुछ नहीं मिलेगा? ओके, तो भाई समस्या हो गया भाई, कुछ नहीं है इधर खाने पीने का, है नहीं वो, तो भाई क्या क्या बनेगा। तो अभी हमें टेंशन थी कि खाना कहाँ से खाएंगे, भैया तो चले गए बट भैया आ गए, भैया यहीं पर रात को रुकते हैं। तब टेंशन ख़त्म हो चुकी है, भैया की ये दुकान है, यहाँ सब कुछ मिलेगा, राजमा चावल, दाल चावल, सब कुछ, चाय वगैरह सब कुछ मिलेगा। टेंशन ख़त्म है, यहाँ से कुछ सामान कल कैरी करके लेके जाएंगे, क्योंकि आगे कुछ नहीं मिलेगा लगभग 35-40 किलोमीटर तक, तो साथ लेके जाना पड़ेगा सामान। ठीक है, फिलहाल खाने पीने की व्यवस्था हो चुकी है, कोई टेंशन नहीं है, आराम से अब सो जाएंगे कैंप लगा के। फिलहाल अभी कैंप लगाते हैं और फिर मिलते हैं भाई। अभी कोई कैंपिंग की जगह ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इधर अपने कुछ भाई लोग आए हिमाचल से, उन्होंने कैंपिंग कर रखी है। और फिर हमें भैया बोल रहे थे भी अपना उस टेंट के अंदर ही कैंपिंग कर लो, उधर चेयर वगैरह पड़ी है, बोरे साइड में लगा देना, अंदर आराम से कैंपिंग कर लेना। ठीक है, अभी उधर कैंपिंग करते हैं। और ये अपने बाबूजी हमेशा गिरते हैं, आपको पता है ना, दिन में 3-4 बार गिरना हो ही जाता है इसका। और इधर ऐसा कुछ माहौल हो चुका है, हम आए हैं रौनक रौनक हो गया, इधर ही भाई आ गए, उधर भैया ने दुकान भी खोल ली है। ठीक है, फिलहाल पानी की व्यवस्था फूल है, इधर सारी टेंशन ख़त्म और दिन की सारी थकान भी ख़त्म, इसी चक्कर में कि यहाँ रहने की व्यवस्था और खाने पीने की व्यवस्था हो गई। कल की टेंशन कर लेंगे, समस्या एक है इधर नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क के लिए 2 किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा वीडियो अपलोड करने के लिए। सुबह उठेंगे जल्दी, साइकिल लेंगे और वीडियो अपलोड करके आ जाएंगे। ठीक है, फिलहाल अभी कैंप कल लगाने के बाद मिलते हैं। लो जी, रात के 8:30 का टाइम हो चुका है, इधर इस कैंप के नीचे ही अपने कैंप लगा दिए थे, भैया जी ने परमिशन दे दी थी। भैया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, इतना साथ देने के लिए। और भैया अभी अपने लिए खाना रेडी कर रहे हैं भाई, ये तो मेरा नहीं है, तो टिगलू भाई और का अपना खाना तो अभी आएगा, राजमा और चावल भाई। तो इधर अपने राजमा चावल आ चुके, जो इधर के फेमस है भाई, आपको पता है इधर यही मिलेगा, सब्जी वगैरह बहुत कम मिलती है। तो ये आज का अपना खाना हो चुका है भाई, आज का सफ़र भी काफ़ी टफ रहा, लगभग 50-55 किलोमीटर के करीब कर लिया, 50-55 हो गया अगर अपना 50-55 के करीब हो गया ना, तो भाई इतना टफ रहा आज का दिन। और कल का जो सफ़र है ना भाई, इससे भी डबल टफ होने वाला है, और परसों का उससे भी ज़्यादा, क्योंकि आगे 2 पास आने वाले हैं, सिंकला और एक और है, वो आपको बाद में बताएंगे, अभी नाम याद नहीं है, और नेटवर्क इधर है नहीं, कुछ पता भी नहीं लगता। तो भाई बहुत ज़्यादा टफ एरिया आगे का होने वाला, रास्ते कच्चे टूटे फूटे, बहुत ही मतलब ज़्यादा टफ है। और एक बात और भाई, हम ना फर्स्ट साइकिलिस्ट होंगे इस रास्ते निकलने वाले, अभी तक कोई नहीं निकला, ये इसीलिए हम बहुत खुश हैं भाई, चाहे कितना टफ हो जाए, ये क्रॉस करना करना तो हम फर्स्ट साइकिलिस्ट हो जाएंगे इंडिया के, ये क्रॉस करने वाले। एक भैया ने शायद फॉरनर ने निकाला, वो उधर से इधर आया था, बट वो फॉरनर था, इंडिया का तो शायद हम फर्स्ट ही होंगे। बाकी कोई गया हो तो पता नहीं है, भैया तो बोल रहे कोई नहीं गया इधर से कभी भी, ये दुकान इनकी इनकी परमानेंट है ना, ये बोल रहे इधर से कोई नहीं गया, बाकी है ना भैया इधर से कोई नहीं गया साइकिल लेके, नहीं 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 बिल्कुल फर्स्ट होंगे ना, फर्स्ट 3 इंडियंस, तो ठीक है भाई हम तो फर्स्ट होंगे, बाकी बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, टफ भी होगा आगे और मज़ा भी आएगा। तो आज की वीडियो को इसी खाने के साथ एंड करते हैं, जिसकी उम्मीद नहीं थी मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।